एसएफएस फाउंडेशन द्वारा जो ये खेल का आयोजन स्पोर्ट्स फॉर श्योर किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और जितनी भी शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया जाए इनको कम है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में ये एक ऐसा जमीन से जुड़ा एक पहला प्रयास है जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो बेचारे गांव के बच्चे हैं, जो इनको संसाधन नहीं मिलते हैं, उनको खेल की मुख्य धारा में ला के उनको खुशहाल आगे बनाने का, उनको बढ़ाने के अंदर जज्बा पैदा करने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो फाउंडेशन है उसने हमें बहुत सपोर्ट करा है। हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो मतलब इतना नहीं पैसा अटेंड कर पाते, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है आगे बढ़ने में। और हमारा जो ड्रीम ही नहीं अभी लाइफ बन चुका है हमारा बैडमिंटन, जो कि अब हम कभी नहीं छोड़ सकते। और हम इन स्पोर्ट्स फॉर श्योर जो फाउंडेशन हमें सपोर्ट कर रहा है उसे हम कभी वेस्ट नहीं जाने देंगे। हमें पहले बैडमिंटन उतना आता नहीं था, तो हमारे हम पार्क में खेलते थे आउटडोर में। तो एक चेतन सर आए थे हमारे एकेडमी में, तो उन्होंने हमें सिखाया। तो चेतन सर के थ्रू हम आशीम अंकल से मिले, तो और आशीम अंकल ने हमें स्पॉन्सरशिप दी और उन्होंने बोला कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमें किट भी दी और हमें आगे लेके गए भी, खिलाने के लिए लेके गए टूर्नामेंट्स में भी। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पोर्ट्स फॉर श्योर। सो हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स वगैरह सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारी एक फाउंडेशन है स्पोर्ट्स फॉर श्योर की फाउंडेशन, जिसमें हम अपने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते आगे सोसाइटी में जाना, उनको हम सपोर्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और वो पीवी सिंधु जैसे आगे जाके बने कोई, या साइना जैसे कोई बने। हम यही चाहते हैं कि उनका जो टैलेंट है उसको स्प्रूस करें और उसको बढ़ावा दें और बैडमिंटन को बढ़ावा दें। हमारी स्पोर्ट्स ऑफ फॉर श्योर ने बहुत हमारी मदद की है, उसने हमें टी शर्ट दी है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण गुलाटी जी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है इसका दायरा बढ़ाएं, इसको देश के प्रत्येक ज़िले तक ले जाएं और इस कार्य में वरुण जी के हर प्रयास को दैनिक भास्कर, नागरिक फाउंडेशन, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जो भी एसएफएस फाउंडेशन के वो सहयोग देने के लिए जो भी प्रयत्न करने की, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड कराने की, सहयोग देने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम सब लोग तहे दिल से अपना सहयोग करेंगे और उनकी मदद करेंगे।